दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दिन दहाड़े गुंडागर्दी के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 10 लोगों की निशानदेही पर परेड के बाद गुज्जर समाज में रोष फैल गया है। दरअसल पकड़े गए युवकों में से कुछ आरोपी गुज्जर समाज से संबंधित हैं, जिनको लेकर के गुज्जर समाज ने भगत सिंह चौक पर रोष जताया और शहर थाना के समक्ष पुलिस की कार्रवाई पर आक्रोश जताते हुए शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं गुज्जर समाज की ओर से इस मामले में भाजपा नेता गोकुल शेतिया की भी आलोचना की गई है। उनका आरोप है कि इस मामले में शेतिया की अहम भूमिका रही है। बाद में शहर थाना से डीएसपी मुख्यालय रविंदर सिंह दलवल के साथ पहुंचे, समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ पुलिस की बातचीत हुई। पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया कि इस मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी समस्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस की ओर से यह भी कहा गया कि निशानदेही परेड पुलिस की जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसके बाद गुज्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल के लोग जो वहां पर आए हुए थे मौजूद थे वो शांत हो गए। एक बार की यह मामला शांत हो गया है। वहीं डीएसपी मुख्यालय रविंद्र सिंह ने बताया कि समाज के लोग शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के आक्रोशित थे, इसी को लेकर के वे प्रदर्शन भी कर रहे थे। अब यह कानून समस्त तरीके से कार्रवाई होगी जो कानून संगत होगी, शिकायतकर्ता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि निशानदेही परेड को लेकर के सवाल उठाए गए थे, लेकिन यह जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही परेड निकाली गई है। यह बात प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को समझा दी गई है, जिसके बाद मामला शांत हो गया। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल की ओर से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। इनके जो बच्चे थे परसों रात को जो 2-3 बच्चों ने इनकी चोट लगी है, इनका उस बात पर रोष था कि मतलब हमारे बच्चों के खिलाफ तो जल्दी एक्शन हो गया, लेकिन इनके बच्चों ने जो चोट लगी उसका एक्शन अभी तक नहीं हुआ, इनका ये कहना था। तो उसमें देखते हैं नियमानुसार जो भी इन्होंने उस टाइम दाखिल हुए, उस टाइम तो कोई रुका है नहीं था पुलिस के पास परसों रात को हॉस्पिटल में, ना इन्होंने ऐसी कोई बात रखी आज रखी है। इस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई इनकी बनेगी वो भी इनकी भी की जाएगी। निशानदेही के और का वो कोई बात नहीं थी उनकी, वो तो सारी बातें वो संतुष्ट थे इस चीज़ से, उनको समझा दिया गया था कि जो पुलिस का प्रोसेस है वो उसी हिसाब से हमने आरोप करना होता है। कोई भी आरोपी है उसने जो घटना करी है उस घटना पे मतलब ये कह रहे थे जी हमारे उस मैटर में नहीं गए उसमें नहीं गए, वो मतलब इनको गलत फहमी थी, वो तो सिर्फ इस बात से संतुष्ट है कि हमारी भी कार्रवाई जो बच्चों की चोट लगी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पता नहीं था वो बता दिया गया, वो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो जो भी कोई आरोपी होता है उसको उस घटना का निशानदेही बोलते हैं उसको, उससे इंसाफ कर दो भाई ये चीज़ें ऐसे से मैंने उस टाइम करी थी जब वो पुलिस की अरेस्ट करती है। आपकी दुकान करिए।